मैं डॉक्टर नेहा हूँ, एसएल हॉस्पिटल में काम मेरा हॉस्पिटल है, एसएल हॉस्पिटल। यहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को पूरा ट्रीटमेंट होता। आज आज नहीं, पिछले 2-3 महीने से एम्बुलेंस के सामने, हमारे हॉस्पिटल के सामने हमारे बाजू वाले आके गाड़ी रख रहे, रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं हटा रहे थे वो लोग। आज एक प्रेग्नेंट लेडी दर्द से आई तो उनके हस्बैंड आके थोड़ा कंप्लेन करे कि अगर आप लोग हॉस्पिटल के सामने ऐसा ब्लॉक रखे तो हम लोग आना जाने को प्रॉब्लम हो रहा, इमरजेंसी में पेशेंट्स कैसा आना है यहाँ पे। सर बोले ठीक है, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, बोल के जाके बाजू वालों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करे कि आप लोग गाड़ी हटाइए, हमारे पेशेंट्स को तकलीफ़ हो रही, बस उतने के लिए। वो लोग बोले नहीं हटाते, आपको जो करना है करिए। सर बोले ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ब्लॉक कर रहे वे बोल के। इतना बोल के सर पलट के वापस आ रहे थे जब पीछे से हमला हुआ, मारना स्टार्ट करे सर को। मैं, मेरा स्टाफ पूरा बाहर गए क्या हो रहा देखने के लिए, जब तक वो लोग मार रहे थे। हाँ, कितने थे लोग मारने वाले? 3 जेंट्स थे जब पकड़ के मारे थे, तो 3 जेंट्स थे बस। हम लोग सर को लेके वापस आ जा रहे थे, उतने में 3-4 लेडीज़ आए वहाँ से, लेडीज़ आए, वो जेंट्स भी थे। वो लोग सब मिल, लकड़ी, बैट और मालूम नहीं क्या क्या था, लकड़ी और बैट दिखा क्योंकि लगे उसके मार हम लोगों को, वो लेके मारना शुरू करे। जो मारे उनके कुछ नाम मालूम है? हाँ, धनराज, संतोष, यश, शोभा, लावण्या और चंद्र कुमार, ये लोग हैं। और एक ओल्ड लेडी थी, उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, और एक छोटा बच्चा, यंग बच्चे के जैसा था, उन्होंने कौन है मेरे को नहीं मालूम, उनके लोग थे। लेडीज आके पकड़, मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के गला पकड़े, गला पकड़ के मारना स्टार्ट किए। ये है और बहुत है कंप्लेंट करी आपने? जी, पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना है? शालीबंडा पुलिस स्टेशन में करें। अच्छा, आपका हॉस्पिटल एग्जिट लोकेशन कहाँ पर आता है? ये लाल दरवाज़ा, महाकाली टेम्पल रोड पे, अपोलो फार्मेसी के एकदम बगल में है। तो वो लोग आए बस इतना, क्यों, क्योंकि सर जाके पुलिस में कंप्लेंट करने को गए तो वो लोग आए, मारपीट शुरू करे। आप चाहे तो फुटेज भी देख सकते हैं, मारे। सर अभी आईसीयू में है, नाक सर का नाम फ्रैक्चर क्या हो है? गया। सर सर का का नाम नाम क्या? डॉक्टर प्रशांत है, नाक। कितने लोग जख्मी इसमें? मैं हूँ, सर है, स्टाफ, मेरे पूरे स्टाफ को मारे, सिर्फ बचाने गए, रोकने गए उनको तो पूरे स्टाफ को मारे। सो है, वार्ड बॉय को हाथ मोड़ दिए, और प्रेग्नेंट लेडी है उसको पीठ पे मारे, पीठ पे मारे, ओनली सिर्फ पार्किंग के लिए? सिर्फ पार्किंग, सिर्फ। वो भी इतना रिक्वेस्ट करे, इतना रिक्वेस्ट करे कि आप सिर्फ हटा दो, तकलीफ़ हो रही हमारे को बोल के, बोलने के बोले तो इतना हुआ। आके हॉस्पिटल प्रीमिसेस में दरवाज़ा तोड़ के, फर्नीचर तोड़ के, सर को नीचे डाल के, 4-5 जेंट्स, 3-4 लेडीज़ सब आके मारे। एक ही चीज़ क्या है, यहाँ हम लोग सर्विस के लिए बैठे सो है, पेशेंट्स के सर्विस के लिए कोई भी टाइम पे अवेलेबल है। वो लोग खुद, जो पेशेंट के लोग, जो लोग आके मारे वो लोग खुद सर के पेशेंट्स हैं, बीपी के, शुगर का पूरा ट्रीटमेंट करते सर, वो भी फ्री में, कभी भी दवाई नहीं लेते क्योंकि बाजू वाले लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, कुछ भी नहीं बोल के। तो ये लोग आज आके मारे, अब वो भी हॉस्पिटल के अंदर घुस के, तो हमारी कोई गलती नहीं थी। जब हम लोग खाली जाके उनको रिक्वेस्ट करें तो घुस के आके लकड़ी और डंडों से मारे सोए। अब वही डॉक्टर जो आपको ट्रीट करते, वही डॉक्टर आज आईसीयू में है, हेड में इंजरी है उनको, ब्रेन क्लॉट हुआ, नाक में फ्रैक्चर है, गर्दन में क्या है नहीं मालूम, गर्दन नहीं हिला सक रहे कते। तो हॉस्पिटल में आके डॉक्टर्स के ऊपर आप लोग अटैक करना आखिर कब तक चलता, और क्यों? आप लोग की सर्विस के लिए हम लोग हैं, आप लोग ऐसा मार मार के अगर हम लोगों को या आईसीयू पहुंचाए तो आप लोगों को ट्रीट करने के लिए, आपको बचाने के लिए कौन रहते? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना था। और कम से कम बाजू वालों से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि आके वो भी हॉस्पिटल में घुस के डंडे लकड़ी लेके मारना, गला पकड़ना, ढकलना, तोड़ना चीज़ों को। क्यों? कल आप ही आते ना ट्रीटमेंट के लिए, जब
बस आप लोग भगवान के लिए अत्याचार बस कीजिए हॉस्पिटल और डॉक्टर से, इतना ही है कि हम लोग पलट के आपके जैसा नहीं मार सकते, उसी लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ना। लेकिन जिस दिन हम लोग डॉक्टरी करना छोड़ दिए उस दिन आप लोग सोचिए किधर जाते आप लोग ट्रीटमेंट के लिए।